वेलकम टू माय चैनल नो विथ मी है। और ये देखिए थोड़ी सी बारिश हुई हमारे यहाँ, तो हमारे जामुन देखिए ये ब्लैक ब्लैक कलर के आपको ये गुच्छों में दिखाई दे रहे होंगे, ये पकना स्टार्ट हो गए हैं। और ये देखिए किस तरह से एकदम काली काली जामुन हमारे प्लांट में तैयार हो गई है। तो आप भी इंजॉय कीजिए हमारे जामुन को देखकर। तो आज हम बात करने वाले हैं फ्रेंड कि हम अपने प्लांट की रिपोर्टिंग कैसे करें। तो आज मैं रैन लिली के प्लांट को रिपोर्ट करने वाली हूँ। तो ये देखिए ये हमारी रैन लिली के बल्ब्स हैं और इसके पॉट टूट गए हैं, तो इसको चलिए हम रिपोर्ट करेंगे। और ये देखिए ये इस तरह से मिट्टी में लगे हुए हैं और बहुत ही हेल्दी बल्ब हैं। ये देखिए मैं इसके रूट्स आपको दिखा देती हूँ, देखिए कितने एकदम हेल्दी हैं, वाइट वाइट कलर के इसके रूट्स आपको ये दिखाई दे रहे होंगे। और इसके अंदर कुछ हमारे प्लांट्स भी लगे हैं और इसके ये बल्ब देखिए, ये देखिए इस तरह से इसके ये बल्ब होते हैं। तो ये भी बल्ब बहुत ही मैच्योर हैं और बड़े साइज में हैं, बहुत अच्छी फ्लावरिंग करेंगे। तो इन बल्ब्स को लगाने के लिए आप एक भी बल्ब अगर आपको मिलता है तो एक बल्ब से ये ढेर सारे इतने सारे बल्ब्स हो गए हैं। और ये देखिए इनको एक साथ इस तरह से लगाने पे ये देखिए जड़ के पास से ये इस तरह से नए बल्ब तैयार होते हैं। ये बेबी बल्ब्स आपको दिखाई दे रहे होंगे पिंक पिंक कलर के, तो ये नए बल्ब तैयार हो रहे हैं। तो ये जो सीजन है बरसात का इस बल्ब के लिए बहुत ही अच्छा होता है, ये बहुत अच्छे से ग्रोथ करते हैं। तो इनको लगाने के लिए हमें मिट्टी किस तरह से लेनी चाहिए फ्रेंड्स, इनको बनाने के लिए लगाने के लिए अपने गार्डन की मिट्टी लेंगे और उसके अंदर 20% हम बालू मिला देंगे और उसके अंदर हम मिला देंगे अपनी खाद। तो आपके पास अगर सड़ी हुई गोबर की खाद है तो वो मिला सकते हैं, बर्मी कंपोस्ट मिला सकते हैं, या तो सूखे पत्तों की खाद मिला सकते हैं, या चाय पत्ती को सुखा कर जो हम खाद बनाते हैं उसे भी मिला सकते हैं। तो ये आपके पास जो भी खाद हो वो आप मिला लीजिए, लेकिन अगर आप काऊ डंग को मिला रहे हैं तो वो एक साल पुरानी हो, एकदम सूखी हुई ड्राई हो, नहीं तो आपके प्लांट को ख़राब कर सकती है। तो इस तरह से हमको मिट्टी बनानी है और ये सारी चीज़ें इसको मिला के और थोड़ा सा हल्दी और फंगीसाइड या दालचीनी के पाउडर को मिलाएंगे। और जिस भी पॉट में हमें अपने प्लांट को लगाना है उसके अंदर ड्रेनेज होल होना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए ये हम इस पॉट में लगाने वाले हैं, तो इसके अंदर हम इस तरह से इसके होल्स को कवर करने के लिए इस तरह का जो दीपक होता है उसके टुकड़ों को लगा देंगे, या आप क्लॉथ को भी लगा सकते हैं ताकि इसकी हमारी मिट्टी बाहर ना जा सके। और इस तरह से हम इसको कवर कर देंगे, तो सभी होल्स को इस तरह से कवर करने के बाद इसके अंदर हम अपनी मिट्टी को लगाएंगे। तो ये रैन लिली जो ये येलो कलर की जो रैन लिली होती है उसके बल्ब तो बहुत पतले पतले होते हैं, लेकिन ये जो हमारी पिंक कलर की रैन लिली होती है इसके बल्ब के साइज एकदम ओनियन के साइज, छोटे ओनियन के साइज के बराबर की होती है। और ये देखिए इस तरह के इसके इतने बड़े बड़े बल्ब्स होते हैं हमारे या पिंक लिली के। और इस तरह के बल्ब्स को हम आसानी से बस इस तरह से आप एक होल्स बनाइए और बल्ब्स को इस तरह से रख दीजिए। इस तरह से रखने के बाद आप उसके ऊपर मिट्टी डाल सकते हैं। तो चलिए हम इसको लगाने के लिए पहले इसकी मिट्टी हटा देते हैं और साइड में जो ये प्लांट लगे हुए हैं इनको निकाल देते हैं। और फिर इस थोड़ी मिट्टी हटाने के बाद हम इसको नई मिट्टी में लगाएंगे ताकि इसकी अच्छे से ग्रोथ हो सके और जो हमने खाद दिया है उससे इसमें फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी होगी। और इसके पहले भी बारिश में आपके साथ मैंने इनके फूलों को शेयर किया था तो कितनी अच्छी इसमें फ्लावरिंग हुई थी। तो पहले मैं इन सारे प्लांट्स को हटा के फिर आपसे मिलती हूँ कि हमें किस तरह से इनको लगाना है। तो देखिए सारे प्लांट्स को मैंने हटा दिए, सूखी पत्तियाँ हटा दी हैं। तो देखिए इस तरह से ये पूरे गुच्छों में इनको ना गुच्छों में रहना पसंद है, अगर डिवाइड करते हैं तो थोड़ी ग्रोथ कम होती है, और ये एक साथ ढेर सारे लगे हुए होते हैं तो बहुत अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। तो ये मैच्योर बल्ब है और इस तरह से रखने के बाद हम साइड साइड से अपनी जो खाद हमने मिला रखी है उस मिट्टी को अपने रैन लिली के प्लांट में डालेंगे। तो इनको इनके बल्ब जब भी लगाएं उनकी रूट्स सिर्फ नीचे हों और बल्ब सॉइल के ऊपर होने चाहिए, और इस तरह से टैप करते हुए हम अपनी मिट्टी को फिल कर देंगे पॉट के अंदर। तो इस तरह से पॉट में हम टैप करते हुए अपनी मिट्टी को फिल कर देंगे, जिससे हमें ये होगा
कि जब भी बारिश होगी तो इसके अंदर हमें जल्दी से फ्लावरिंग देखने को मिलेगी। और इस तरह से लगाने के बाद इसके अंदर हमें वाटरिंग अच्छे से कर देनी चाहिए। तो देखिए ये हमने इसको लगा दिया है इस पॉट में और अच्छे से वाटरिंग करेंगे। और आप ये देख सकते हैं हमारी कितनी अच्छी वेल्डन मिट्टी बनी हुई है, सॉइल बनी हुई है। हमने पानी डाला और पानी देखिए तुरंत आप देख सकते हैं ये मिट्टी के ऊपर बिल्कुल भी पानी दिखाई नहीं दे रहा है और जस्ट पानी नीचे चला गया है। और इस तरह से हमें इसकी मिट्टी तैयार करनी चाहिए और फर्स्ट टाइम इसको अच्छे से वाटरिंग करनी चाहिए ताकि हमारी पूरी जो पॉट की मिट्टी है पूरी अच्छे से मॉइस्ट हो जाए, हमारा प्लांट अच्छे से सेट हो जाए। इस तरह से हम अच्छे से पानी देंगे और पानी ड्रेनेज होल्स के बाहर निकलना चाहिए, इतना हमें इसके अंदर पानी देना चाहिए। तो इस तरह से हम अपने रेन लिली के प्लांट को लगाएंगे। और हमने गार्डन में कौन कौन से काम किए हैं और भी हमने रेन लिली के बल्ब को लगाए हैं, तो एक पॉट में यहाँ लगाया है और एक भी पॉट में लगाया है। तो चलिए मैं अपने गार्डन में आए हुए एक मेहमान से मिलाती हूँ। देखिए वो हमारे गार्डन में आके कितने आराम से प्लांट के ऊपर बैठा हुआ है। तो चलिए मैं उससे भी आपको मिला देती हूँ। और ये देखिए ये यहाँ पे गिरगिटान बैठा हुआ है। और ये देखिए हमारे क्लाइमेटिस के प्लांट के ऊपर जाके ये देखिए यहाँ पर छिप गया है। और ये जब भी पानी डालने आते हैं तो यहाँ से वहाँ कूदता रहता है। तो ये आके हमारे प्लांट में देखिए किस तरह से बैठ गया है। तो यहाँ पे ये क्लाइमेटिस के प्लांट में बैठ गया है। और देखिए ये फ्रेंड्स, इस पॉट में हमने जो बाकी बचे हुए रेन लिली के बल्ब थे उसे इस तरह के बैग में हमने लगा रखा है और ऊपर से मिट्टी हम डाल देंगे। और इसको लगाना बहुत ही आसान होता है। इस तरह से अगर हमने इसमें दो बल्ब लगाए हैं तो नेक्स्ट ईयर इसमें से हमें चार पांच बल्ब यानी एक्स्ट्रा मिलेंगे, तीन चार बल्ब एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो इस तरह से इसको भी लगा के हम कवर कर देंगे। और इसको हम अब शेडी एरिया में नहीं रखना है, इसे डायरेक्ट सनलाइट में रखेंगे। तो ये भी प्लांट हमारा बहुत अच्छे से चलेगा, इसे शेडी एरिया में रखने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही अच्छा ये प्लांट होता है। तो इस तरह से हमें इस बल्ब को लगाना चाहिए। और हमने गार्डन में कौन कौन से काम किए हैं तो देखिए बारिश होने वाली है और कितनी अच्छी अच्छी ठंडी ठंडी हवाएं हो बह रही हैं। तो यहाँ का ये जो कॉर्नर का एरिया है इसे हमने पूरी अच्छी तरह से पूरे प्लांट्स को वहाँ से पहले हटा दिया है और उसके बाद सारे प्लांट को हटा के पूरे पॉट की सफाई की है और पूरे फर्श की हमने अच्छे से सफाई की है। तो ये सारे काम करने में हमें करीब करीब 1.5 से 2 घंटे ये लग गए, पूरे पॉट को वहाँ से एक एक पॉट को हटाकर और उसकी सफाई करके क्लीन करके रखा है। और वहाँ से लेके यहाँ से जितने भी पूरे कचरा था, पूरा मिट्टी थी और सूखे पत्तियाँ थीं, उनको मैंने पूरा क्लीन कर लिया है। और क्लीन करने के बाद कम से कम 3 पॉट कचरे हमारे कंपोस्ट के लिए मिले हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं ये हमारे इस तरह से हमने इसकी सफाई की, देखिए। और ये सारी मिट्टी जो फर्श पे एकदम जाके सूखी मिट्टी फर्श को चिपक गई है। तो इस तरह से ये जो हमारे गार्डन के हम क्लीनिंग कर सफाई करते हैं, क्लीन करते हैं, जो मिट्टी निकलती है, जो पत्ते निकलते हैं, तो हमारे पॉट में ये भरने के लिए बहुत ही अच्छा काम करते हैं। तो ये देखिए कितनी इस तरह से ये मिट्टी पूरे फर्श पे लग गई है। अब बारिश होगी तो बहुत नुकसान होगा, इसलिए हमने इसकी पूरे अच्छे से सफाई कर दी, पूरे पॉट को लाके यहाँ रख दिया है। तो आप देख सकते हैं और अच्छा मौसम होने की वजह से प्लांट भी काफ़ी अच्छे और हेल्दी हो गए, कितनी मस्त हवाएँ चल रही हैं। तो इस तरह से सारे प्लांट लगा रखे हैं और यहाँ पर हमारे जो भी प्लांट हैं, और ये यहाँ पर कैप्टस है, कलांचो हैं। और ये देखिए ये इतनी गर्मी थी कि पत्ते हमारे प्लांट के पूरी तरह से बर्न हो गए थे, पूरे जल गए थे। तो यहाँ पे ये हमारा हिबिस्कस का प्लांट है और ये हल्दी की गांठ की तरह है, इसके पत्ते तो पूरी तरह से जल गए हैं। अब कलांचों की भी हालत आप देख सकते हैं। तो इस तरह से सारे प्लांट हमने पूरे अच्छे से सफाई कर दी और पूरे जो पॉट्स है उसकी मिट्टी को मैंने फर्श पर फैला दिया है और उसको एक दो धूप लगा के उसको अच्छे से हम भर देंगे ताकि हमारे दूसरे प्लांट लग सकें। और इस प्लांट में अच्छे से हम खाद दे देंगे। तो यही सारे काम हमने अपने गार्डन में किए हैं। आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे